मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनको ये विशेषाधिकार लोकसभा स्पीकर ने दे दिया और वो एक ही वोट था। वो एक ही वोट की वजह से तमाम जो पूरा समीकरण था सरकार की, जो गणित थी 269 और 270 की जो डिस्प्ले पे नंबर आए और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। तो ये स्पीकर का सबसे बड़ा एग्जांपल भारतीय लोकतंत्र में। ये भी हो सकता था कि गोमांग जब मुख्यमंत्री पद का चुनाव मुख्यमंत्री बन गए थे और उसके बाद अगर स्पीकर के हाथ में ये भी था कि इस्तीफा भी दिलवा सकते थे कि भाई अगर आप मुख्यमंत्री बन गए हैं इस्तीफा दीजिए फिर चुनाव होगा। लेकिन यही तो होता है स्पीकर की भूमिका कहां किस तरीके से इस्तेमाल होती है। स्पीकर ने इस्तीफा दिलवाने के बजाय बाकायदा उस वोट का इस्तेमाल किया, यानी गोमांग के वोट का इस्तेमाल किया और उसी एक वोट की वजह से अटल जी की सरकार 13 महीने के भीतर गिर गई। तो ये सारी पार्टियां जिनके पास इस वक्त सीटें ज्यादा हैं और सत्ता पक्ष में है वो जानती है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद क्या होता है। मान लीजिए स्पीकर किसी दिन नहीं है, डिप्टी स्पीकर उस भूमिका में है तो वो सारा विवेकाधिकार दरअसल डिप्टी स्पीकर के पास आ जाता है और वो पूरा राइट आता है, वो भी कुछ करवा सकते हैं। इसीलिए विपक्ष भी अड़ा है कि स्पीकर अगर अपना बनाते हैं आप तो डिप्टी स्पीकर कम से कम हमें दीजिए ताकि सदन के भीतर एक बैलेंस बन सके, यानी आपके मनमर्जी से बहुत कुछ ना हो सके और इनकी तरफ से भी बहुत सारी चीजें ऐसा ना हो कि प्रिविलेज से उनको हाथ धोना पड़े। तो अब विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा हुआ है। हालांकि खबर यह भी है कि अगर स्पीकर भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे से बनाती है तो हो सकता है ऐसे कंडीशन में कांग्रेस पार्टी की तरफ से या फिर जो इंडिया अलायंस है उनकी तरफ से भी उम्मीदवार खड़ा किया जाए, जब प्रस्ताव दिया जाएगा नाम का। और ये तभी संभव हो सकता है कि अगर कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं होता है तब जब इंडी अलायंस को मौका दिया जाएगा कि डिप्टी स्पीकर उनका होना चाहिए और स्पीकर इनका होना चाहिए, यानी सदन में दोनों जो दल हैं, दोनों जो पक्ष विपक्ष हैं, दोनों का बैलेंस पूरी तरीके से बना रहे। और खासतौर पर अभी तक जो ओम बिरला की जो स्पीकर पद का अगर उनका कार्यकाल देखें बहुत ही स्ट्रिक्ट तौर पर दिखाई दिए हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल अच्छे स्पीकर बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे सांसदों के लिए। लेकिन इस बार जो समीकरण है जो गणित है उस हिसाब से हो सकता है कि एक ऐसे चेहरे को लाया जाए जिस पे पक्ष विपक्ष बहुत ज्यादा सामंजस्य बना के रखे। खैर इसमें नाम बहुत सारे हैं लेकिन ये जरूर है कि कहीं ऐसा ना हो कि 99 का वाक्य दोहराया जाए। वैसे हालात बनेंगे कि नहीं बनेंगे क्योंकि पिछली बार देखिए टीडीपी ही थी खेल करती थी, टीडीपी ने पिछली बार खेल किया था, इस बार भी टीडीपी आ गई है। और इत्तेफाक देखिए कि टीडीपी इलेक्शन से पहले अलग थी, जब गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त वो एनडीए अलायंस का हिस्सा नहीं थी। लेकिन समीकरण इस तरीके से बनते हैं कि चंद्रबाबू नायडू साथ में आ जाते हैं, नीतीश कुमार भी नहीं थे हिस्सा, नीतीश कुमार भी साथ में आ जाते हैं और जो कुछ यहाँ के साथी थे ये इधर से उधर जाते हैं, उधर के साथी इधर आ जाते हैं और उसके बाद समीकरण ऐसा होता है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो मैजिक नंबर होता है वहाँ तक खुद के दम पर नहीं पहुँचती है और इन दोनों पार्टियों का सहारा लेकर सरकार की तरफ बढ़ना पड़ता है। हालांकि मंत्रालय वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं लेकिन अब जिम्मेदारी बनती है कि सदन के भीतर जो भी कार्यवाही शुरू होगी, यानी संसद की कार्यवाही शुरू होगी उस दौरान स्पीकर की भूमिका इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और अटल जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने देखा है, अनुभव एक्सपीरियंस, ऐसे में कतई ये नहीं चाहेगी कि दोबारा वैसे हालात फिर से एनडीए सरकार को लेकर हो। तब अटल जी भी मजबूत नेता हुआ करते थे, अब नरेंद्र मोदी भी बहुत मजबूत नेता है, लेकिन नंबर गेम चलता है सदन के भीतर और वो नंबर गेम में जो की मेकर होता है वो समझता है कि स्पीकर की भूमिका अगर उसके हाथ में आई तो आखिर वो क्या क्या कर सकता है सदन के भीतर। बिल्कुल सही बात संजय जी आपने तमाम बातें कही और इसमें स्पीकर और खासतौर पर देखिए टीडीपी की हालत अभी वो नहीं है।